नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी के सील एरिया में टैंक की सफाई की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में टैंक की सफाई की जाए और सफाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी चीज से छेड़छाड़ ना की जाए। बता दें कि हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग की थी। में आज जो ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर था उसमें हमने मांग की थी कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई 2022 को वहां पे मछलियां मर गई हैं 20 दिसंबर 2023 और 25 दिसंबर 2023 के बीच में, इसलिए वहां पे उसकी साफ सफाई कराई जाए क्योंकि जितने दर्शनार्थी वहां पे जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से सीनियर काउंसिल हुज़ैफ़ा अहमदी साहब भी इसमें अपीयर हुए और उन्होंने ये बात कही कि हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उन्होंने भी सिमिलर रिक्वेस्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में दी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था मछलियां मरने से वहां पे नमाज पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। वाराणसी से अयोध्या के लिए रवाना होते वक्त मुख्य पुजारी लक्ष्मीकांत दीक्षित ने कहा कि मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है, बाकी जो लोग अन्य सहयोगी लोग कार्य कर रहे हैं इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं, वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा, मुख्य यजमान मोदी जी रहेंगे। मोदी जी का जो समय निर्धारित है वो मुख्य कार्य है और बाकी जो लोग अन्य सहयोग लोग कार्य कर रहे हैं वो इतने दिन तो मोदी जी रहेंगे नहीं और वो तो कार्य करना ही पड़ेगा, तो किसी न किसी को दायित्व देना ही पड़ेगा। तो मुख्य यजमान में कौन रहेगा? तो मुख्य यजमान में तो मोदी जी रहेंगे। और देखिए, आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने राम मंदिर पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि राम राज्य का विचार ही लोकतंत्र है, राम राज्य में सबको सम्मान अधिकार, आजकल पूरा देश राम में है। तो देखिए, यहां पर जब आंध्र प्रदेश में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम राज्य का विचार ही लोकतंत्र है, राम राज्य में सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और आजकल जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी रखी। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त राममय हो चला है। मैं धन्य हो गया, आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासी त्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर।
राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। देश के हर कोने में राम नाम का गुणगान हो रहा है और इसी कड़ी में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से दिवाली सा माहौल है और दीपोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। वहीं अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया गया। ये अगरबत्ती जन्मभूमि के परिसर को सुगंधित करेगी। ये अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। महंत नृत्य गोपाल दास की मौजूदगी में अगरबत्ती जलाई गई। राम मंदिर के अनुष्ठान की शुरुआत के साथ ही आज इस अगरबत्ती को जलाया गया। महंत नृत्य गोपाल दास ने जब इसे जलाया तो लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। यह अगरबत्ती आज से 1.5 महीने तक जलेगी। रामलला उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में व्यापार मंडल की बैठक हुई। तस्वीर आपके सामने है। व्यापार मंडल की बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, केंद्रीय स्तर पर ऐसी बैठकों से राज्यों और सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को अपनी बात रखने का मंच मिलता है, जिससे निर्यात और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निर्यातकों के साथ सकारात्मक सहयोग बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेगी। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय उनके मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ये एक बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग यहाँ दिल्ली में जो रखी गई है, उसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हम आर्थिक शक्ति बने, उस दिशा में काम करने का है कि सभी स्टेक होल्डर्स, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एसोसिएशन से, ट्रेड एसोसिएशन से, सबसे चर्चा चिंतन करके, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज, स्टेक होल्डर सब एक दिशा में काम करें, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग रखी गई। और बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस नेता टीकाराम जोली को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। एआईसीसी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक टीकाराम जोली को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा को लोकसभा चुनाव तक जिम्मेदारी बरकरार रखने के लिए कहा गया है। दलित नेता के रूप में पहचान रखने वाले टीकाराम जोली ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पर कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया। वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में प्रदेश की जनता की आवाज को मजबूत करने का दावा किया। कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान में एक दलित नेता जो संघर्ष के बलबूते पर खड़ा हुआ और उसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है, टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में कांग्रेस के इंजन का काम करेगा। टीकाराम जी, सबसे पहले आपको बधाई, और किस तरीके से इस जिम्मेदारी को आप देखते हैं? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है और प्रदेश आलाकमान ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास किया है, उस पर खरा उतरना, उसी पे नहीं, प्रदेश की जनता ने जो विपक्ष को भी बड़ी मजबूत स्थिति दी है, 70 लोग हमारे हैं और हमारे सहयोगी दल और निर्दलीय साथी भी हमारे सहयोग में हैं, हम सब लोगों को मिलके प्रदेश की जनता की आवाज़ को भी विधानसभा के अंदर उठाना है। वो आवाज़ मजबूती से उठे, जनता के लिए उठे, जनता के हित हैं उन पर कोई सत्ता पक्ष उनके हितों पे कोई कुठाराघात नहीं करे। आज जिस प्रकार से राज बनने के बाद में ये सरकार काम कर रही है, जन विरोधी, उन चीज़ों को फ्लोर पे लेके आएंगे, जनता के सामने लेके आएंगे विधानसभा के अंदर, और सत्ता पक्ष को मजबूर करेंगे कि सही को सही और गलत को गलत वो कहें। सही को सही और गलत को गलत, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी अब सिर पर आ गए हैं, कांग्रेस का वोट परसेंट अच्छा रहा है विधानसभा चुनावों में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पराजय देखनी पड़ी। अब एक जिम्मेदारी होगी कि हम किस तरीके से जनता की आवाज़ को उठाएं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से कांग्रेस को एकजुट बनाएंगे। एक कांग्रेस एकजुट है, हम सब लोग मिलकर ही लड़ाई लड़ेंगे, और एकजुटता के साथ इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप रिजल्ट भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो मोदी जी ने जनता से वादे किए थे, आप देखेंगे कि जब मोदी जी शुरू के अंदर आए तो उनका भाषण होता था कि 19 के अंदर हम गरीबी कम कर देंगे, बीपीएल को जो है वो सारे हमारे एपीएल के अंदर हो जाएंगे,
22 के अंदर किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 22 में सबके पक्के मकान हो जाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 100 दिन में हम काला धन वापस लेके आएंगे, देश के अंदर से महंगाई को ख़त्म कर देंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ता कर देंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, भारत को विश्वगुरु बना देंगे, ये सारी चीज़ें सारी बातें वो लोग कहते थे। लेकिन आज वो मुद्दे नहीं हैं, वो बातें नहीं कह रहे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं? उस चीज़ को इन लोगों को बताना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे, वो कह रहे हैं कि 15 लाख खाते में डालने का तो जुमला था, तो आज ये चीज़ें जनता के बीच में लेके जाएंगे ना। और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25